हिंदुस्तान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई माइग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई माइग्रेशन कंसल्टेंट्स एंड मेरे फेसबुक पेज स्काई माइग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। एक बहुत ही अहम टॉपिक आप सामने लेके हाजिर हुआ हूँ, मुख्तलिफ वीडियोज़ में इसके बारे में बना चुका हूँ, लेकिन जिस तरह मेरे पास कोई अपडेट्स आती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप तक भी उस तक की, अगर आप उस चीज़ को क्लिक करना चाह रहे हैं, ताकि आपके पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट हो, आपका होमवर्क कम्प्लीट हो, ताकि आप सबसे पहले नुकसान ना उठाएँ। मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की, दो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आज, फ्रांस की अपॉइंटमेंट्स के बारे में एंड जो एम्बेसी में सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस जो मैंने अपनी वीडियोस बनाई, मैंने अक्सर मैंने कहा था कि एट प्रेजेंट टाइम में जो शेंजन स्टेट्स को चूज़ किया जाए तो फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो टॉप फाइव में जा रहा है वीज़ा रेशो से लेके। वैसे बहुत ज़्यादा कंट्रीज अक्सर उन वीडियोज़ में कहता हूँ, नॉर्वे भी है, इटली भी है, जर्मनी भी है, स्विट्ज़रलैंड भी है, आइसलैंड भी है, डेनमार्क भी है, लेटविया भी है, लिथोनिया भी है, ग्रीस भी है, स्विट्ज़रलैंड एक्स वाई ज़ेड, बहुत 26 स्टेट्स आते हैं जिसमें से कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा बेहतर जा रही है। मैं फिर ये बात रिपीट करूँगा, एट प्रेजेंट टाइम में स्पेन की वीज़ा रेशो डल जा रही है, ना अप्लाई करें, वीज़े नहीं लग रहे, मुझे नहीं पता कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, उनके स्टिकर्स ख़त्म हो चुके हैं या फिर वो वीज़े उन्होंने बस कसम खा ले वीज़े नहीं देंगे। बहरहाल मेरा एक अपनी ओपिनियन है, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे फ्रांस के दो वीज़े अप्रूव हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं बात ये भी ऐड कर दूँ कि हम लोग किसी किस्म का डन बेस पे काम नहीं करते, ना ही तो हम लोग कोई गारंटी देते हैं किसी को जी हम आपका वीज़ा लगवाएंगे तो इतने पैसे बाद में लेंगे। हम लोग अपनी फ़ीस स्टार्ट में ले लेते हैं एज अ कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंसी फ़ीस। आफ्टर डैट वीज़ा होना या ना होना वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। हम लोग जस्ट कोशिश करते हैं कि फाइल इस तरह की प्रिपेयर हो, उसमें कोई कमी ना रह जाए, मिस्टेक्स हो जाती हैं लेकिन हम लोग उसको मिस्टेक्स से ही सीखते हैं। बहरहाल जो मैं आपके बात कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट्स का, ये बस सब जहनशीन कर लें कि फ़्रांस की एम्बेसी कि अपॉइंटमेंट्स इस वक्त आपको अगर मिल भी है तो डेढ़ दो महीने ढाई महीने के गैप के बाद की मिल रही है। क्या वजह है? वही वजह तो स्पेन की हुई थी कि पहले वीज़ा रेशो पीक पे गई थी तो उसका जो था सारा कुछ आपके अपॉइंटमेंट्स का मसला शुरू हो गया था। प्रेजेंट टाइम में वही हो गया, जो फ्रांस की वीज़ा टॉप पे जा रही है तो हर बंदा कोशिश कर रहा है कि हम फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें, शेंजन स्टेट का वीज़ा अप्लाई करें, ताकि हमें वीज़ा ग्रांट हो जाए, हम शेंजन स्टेट घूम फिर के या फिर हम जो हमारी एक्टिविटीज़ के मुताबिक हम लोग ट्रैवल कर सकें। प्रेजेंट यही हो रहा है कि अपॉइंटमेंट्स जैसे आज अपॉइंटमेंट्स हुई थी मेरे कुछ क्लाइंट्स से, उनकी अपॉइंटमेंट्स थी कोई 6 सितंबर की, लेकिन उनके कोई फैमिली ने ऐड करवाई दो मेंबर्स की, तो जब वो गए सियालकोट में तो उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आपको अक्टूबर की मिलेगी। एट दी एंड शॉर्ट स्टोरी है कि उनको रिक्वेस्ट पे 28 सितंबर की अपॉइंटमेंट्स मिली, ठीक है, वो भी इस वजह से मिली ताकि उनका केस जो था उनके अपॉइंटमेंट्स पहले की थी। अगर आप अपने फाइल बनवाना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट केस जमा करवाना चाह रहे हैं, तो ये आप कोशिश करें कि अपने अपॉइंटमेंट आप एज सून एज पॉसिबल ले लें, ताकि आपको अक्टूबर की जो इसका चल रही है आपको अक्टूबर की मंथ्स की अपॉइंटमेंट्स मिल सकें। सेकेंड जो बहुत अहम क्वेश्चन है मैं सुनाऊँगा, क्या आपको पता है कि जिस एम्बेसी में केस जमा होता है, मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं शेंजन की स्टेट्स हैं 26, उसमें कुछ केस आपके VFX ग्लोबल में जमा होते हैं, कुछ BLS में जमा होते हैं, कुछ एम्बेसीज में होते हैं, और जो VFX में जमा होते हैं उस पर आपकी कोई इंटरव्यू कंटेक्ट नहीं होता, आप डायरेक्टली जाते हैं बायोमेट्रिक किए, पासपोर्ट जमा करवाया, एम्बेसी की फ़ीस दी, एक्सपेंस जो भी इनके होते हैं, आप अपना वापस आ जाते हैं, फिर आपको VFX की तरफ से जवाब आ जाता है कि आपका वीज़ा पासपोर्ट आ गया, अपना एक्सेप्ट कर लें। लेकिन कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो इंटरव्यू कंटेक्ट करती हैं, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की। फ्रांस में एक ऐसा मुल्क है जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है, आपको जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू लेता है। जो सबसे एक चीज़ इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि फ्रांस की जो एम्बेसी में हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रांस एम्बेसी की, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे, आपसे डॉक्यूमेंट्स सारे नहीं ले रहे, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वापस कर रहे हैं, ये इशू चल रहा है। अब ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है इसके बारे में, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने अपने जमा करवाए थे, जो एम्बेसी गए थे अपने अपॉइंटमेंट ले वक्त, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लिए गए, कुछ वापस करें, जिनमें से उनके कुछ के वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए, कुछ के अप्रूव भी हुए, लेकिन इस बारे में मुझे मैं एनालिसिस नहीं कर सकता, असेस नहीं कर सकता, नहीं तो प्रिडिक्शन कर सकता हूँ जिन लोग जमा करवा कर रहे हैं उनका क्या होगा। लेकिन वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू पर जो नॉर्मल का एक फॉर्मल क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन है, आप जिस होटल में जा रहे हैं उस होटल का नाम क्या है, उसके डेली एक्सपेंस कितने आ रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप कहाँ रहेंगे, क्या आपका वहाँ पर फैमिली मेम्बर है, यानी मतलब कहने का आप ये, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो कंसल्टेंट आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर आपको बना के दे रहा है, आप उसको एक दफ़ा याद करें, रिव्यू करें। रिव्यू क्यों करें कि उस पर आपने उसने कंसल्टेंट आपका क्या मेंशन किया है कि आप कितने डेज के लिए जा रहे हैं, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस कितने डॉलर्स की हुई है, आपने कहाँ रहना है, आपका डे बाई डे प्लान क्या है, आपका डेली एक्सपेंस कितना है, आप कितने बैंक में पैसे हैं, वहाँ पर फॉर्म में कितने यूरो लिखे हुए हैं,
आप सारा अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाएं ताकि आपका इंटरव्यू परफेक्ट से हो, ताकि आपके वीज़ा के चांसेस बेहतर से बेहतरीन हो सकें। जब वो आपके नोट्स बना के आगे वीज़ा ऑफिसर को देगा तो वीज़ा ऑफिसर कम से कम ये असेस कर सके यार इसको तो पता है सारा कुछ, क्योंकि ये जेन्युइन विजिटर है, ताकि वो आपको जब वीज़ा ग्रांट करे ना करे बाकी उसकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन आपका होमवर्क कंप्लीट हो, ठीक है। और अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे, सॉरी वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर पे सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन करें जो जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बेशक आपके डॉक्यूमेंट्स आगे उनके पास नहीं पहुंच पा रहे, कुछ आपको रिवर्स कर दिए जा रहे हैं, लेकिन जब वीज़ा ऑफिसर देखेगा डॉक्यूमेंट्स इनके, ये चेकलिस्ट इनके पास मौजूद है, इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल जब आप अपील पर जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स उनको अटैच करके भिजवा सकें। ये थी फ्रांस से रिलेटेड जो मेरे पास कुछ न्यूज़ थी, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एंड एम्बेसी की क्वेश्चन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर हमारा विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा, टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा नंबर है, मैं रिपीट कर दूँ 0347 050526। अगर इस नंबर आपसे रब्ता नहीं होता, जैसे मेरा नंबर है, तो आप दूसरे नंबर पर कॉल करें 925, वो ऑफिस का नंबर है, वो है 0324 08 05 236। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।